हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो वी। दोस्तों, कल मैंने जब मीनाक्षी सुंदरेश्वर देखी और मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया, हो सकता है आपने अभी तक मूवी देख ली हो तो आपको भी बहुत ही क्यूट लगी होगी जैसे मुझे लगी। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और मुझे लगा था यार ये रोम कॉम जो है ना इस सीज़न का सबसे बढ़िया है। बट ऐसे ही घूमते फिरते मैंने एक और मूवी देख ली यार, उसका नाम है लव हार्ट और ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। इसमें जो इस तरीके की स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई, आप बोलोगे यार इस स्टोरी का अलग अलग तरीके से नरेशन करीबन 1000 बार हो चुका है और चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, बट यहाँ पर जिस तरीके से इसका ट्रीटमेंट है ना वो एक्सट्रीमली चार्मिंग सा लगेगा आपको। मतलब मज़ा ही आ जाएगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा, क्यूटनेस छलकेगी। और स्टोरी जैसे मैंने बोला उसके अंदर कुछ नया नहीं है, बट जो ट्रीटमेंट है ना वो इतना ज़्यादा फ्रेश है कि आप हुक्ड एंड बुक्ड रहोगे। आप चाहोगे कि कुछ लोग मिल जाएं और आपको पहले सीन से पता है कि किसने मिलना है और किसके दूसरी साइड पर जाना है। तो सिचुएशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी फनी यार। तो मतलब चिलैक्स होके अपना आराम से ऐसे सर ऊपर करके लेट के आराम से आप देख सकते हो एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम। स्टोरी नैथली की होती है, वो एलए में जर्नलिस्ट होती है। अगेन स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पर प्रेडिक्टेबल होती है कि वो थोड़ी सी जैसे ना अनलकी इन लव टाइप होती है, तो डेटिंग ऐप पे जाती है, राइट मारती है, उसका एक लड़का मिल जाता है और जो लड़का होता है वो टैग होता है, बड़ा हंग टाइप सा होता है। ये भी सोचती है अगर ऐसे तरीके का क्यूट लड़का मेरे को मिल गया ईस्ट कोस्ट के अंदर, जाके मैं सरप्राइज दे देती हूँ। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि ये जो भैया हैं टैग, ये टैग टैग तो है नहीं बल्कि जॉश है, और जॉश जो है वो एक एशियन है और जो कि फनी भी है, अंडर कॉन्फिडेंट भी है, थोड़ा लूजर इन लव टाइप ही है नैथली की तरह ही, तो लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तो वो कहता है चलो ठीक है यार, माफ़ कर दो मेरे को, मैंने अपने बचपन के दोस्त की फ़ोटो लगा दी थी, बट अब माफ़ करो मेरे को, बट चलो मैं उससे आपकी दोस्ती कराने की हेल्प करता हूँ। अब ये सारी मूवी आपको यही एक्सप्लोर करानी होती है, यही एक्सपीरियंस करना होता है कि कैसे जॉश लग जाता है टैग जो उसका फ्रेंड है हॉट सा, उसका कुछ हुकअप कराने के लिए नैथली की, और नैथली क्या क्या करती है टैग को इम्प्रेस करने के लिए, एंड इवेंचुअली व्हाट शी रियलाइजेस, वो क्या रियलाइज करती है मेरे बोलने से ही। और अगर आप ट्रेलर भी देखोगे आपको काफ़ी कुछ तो हिंट मिल गया होगा, बट जिस तरीके की एग्जीक्यूशन है, हॉलीडे मूड की क्रिसमस सीन है और बहुत ही वॉर्म्थ है इस मूवी के अंदर, और जो जिस तरीके से दोस्तों एक्टिंग हुई है ना वो मतलब लाजवाब हुई है। तो मैं यहाँ पर जो नीना दोब्रेव है, उन्होंने नैथली का जो रोल किया इतना क्यूट तरीके से किया है, वो कभी कभी तो आपको अचीवर लगेंगी, कभी कभी वो झल्ली लगेंगी। सो समटाइम्स जो मेन होते हैं ना वो इस तरीके का बहुत अच्छा ब्लेंड ढूंढते हैं अपने पार्टनर के अंदर, ब्यूटी विद ब्रेन जिसको बोलते हैं, और साथ साथ में अगर वो थोड़ी सी क्यूट हरकतें भी करते बिकॉज दैट्स द फेमिनिन साइड ऑफ अ वुमन, तो वो बड़ा प्यारा सा हो जाता है। कॉम्बिनेशन तो वैसे ही उन्होंने किया है। जो जॉश का रोल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो जिमी ओयांग ने किया है, जो मैंने आपको बताया कि एशियन है, तो उस तरीके का रोल उनको बहुत ज़्यादा सूट किया है। हालांकि वो कॉमेडियन है एक, और अगर जिनको नहीं पता थोड़ा सा बैकग्राउंड करना, मैंने भी थोड़ा सा गूगल करके देखा तो पता चला कि वो काफ़ी अच्छे कॉमेडियन है, बट यहाँ पर उनकी थोड़ी रिस्ट्रेंड तरीके की एक्टिंग है बिकॉज ही कांट ओवरटली बिकम फनी। और हालांकि उनकी फैमिली बहुत फनी है वो काफ़ी अच्छी फैमिली है, उनके जो भाई दिखाया गया वो भी बड़ा फनी है, द फैमिली इट्सेल्फ इज़ वेरी वेरी वार्म, बहुत बढ़िया। और ये जो टैग बंदा है जो डैरेन बैरन है, वो आप ये कह सकते हैं कि सेम ही तरीके का उसने रोल किया है, नेवर हैव आई एवर अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर भी था ये, तो वो काफ़ी बढ़िया मुझे भी लगा कि मतलब वो अपने ही स्पेस के अंदर है, ऑलवेज हंग टाइप सा ही वो रहता है और वैसे ही बिहेव करता है, ठीक है उसको जम रहा है ये, बट नैथली की क्या चॉइस होती है इवेंचुअली और वो क्या लर्न करती है स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट से, वही सब है। और ये मूवी कहीं ना कहीं आपको जो लर्निंग देती है ना वही देती है कि आज के टाइम में हम इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट दिखना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो आउटर जो लुक्स हैं वो जो इंटरनल लुक्स होती हैं, जो अंदर होती हैं भावनाएं होती हैं उसके ऊपर हावी होने शुरू हो जाती हैं। और मे भी अच्छे लुक्स का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी है, कहीं ना कहीं ये टीचिंग आती है इसके अंदर मोटा मोटा लेवल पे, नॉट वेरी वेरी डीपली, बट इस तरीके की डायरेक्शन में धीरे धीरे हैप्पी गो लकी तरीके से चलती है ये, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप देखो आपको मज़ा आएगा, आप अपने पार्टनर के साथ देखो इन्जॉय करोगे, तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो, तो भी ज़्यादा ऐसा कोई हो जैसे बोलते हैं ना एडल्ट सीन वीन ऐसा कुछ है नहीं, तो इट्स अ फैमिली मूवी, आप देखो बड़ा मज़ेदार है, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको देखने में। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा ए, एंड इट्स अ फेस्टिव रिलीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देखो और फिर अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में डाल के बता दो। बाय बाय।